दोस्तों, जब बात 70 और 80 के दशक की हॉट एंड सेक्सी एक्ट्रेसेस की हो रही हो तो हम भला जीनत अमान को कैसे भूल सकते हैं। आज भी जीनत अमान की फिल्में जब टीवी पर आ रही होती हैं तो हम उन्हें एक नजर देख ही लेते हैं। आज की हीरोइन जीनत की अदाएं देखकर ही सीख रही हैं, पर हम आपको बताने जा रहे हैं जीनत के जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा सच जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जीनत की जिंदगी का सबसे बुरा पल हम आज आपको बताने जा रहे हैं, एक ऐसा सच जिसे खुद जीनत भी याद नहीं करना चाहती। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब जीनत अमान के लाखों फैन हुआ करते थे। 70 और 80 के दशक की सबसे हॉट एंड सेक्सी एक्ट्रेसेस में जीनत का नाम सबसे ऊपर हुआ करता था। जीनत की बोल्ड फिल्में आज भी टीवी पर आती हैं, तो हम कुछ मिनट रुक कर उन्हें देख ही लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं बॉलीवुड के एक स्टार के बारे में जिन्हें पहले तो जीनत से शादी की और फिर तलाक दे दिया और उसके बाद सरेआम जीनत की पिटाई भी की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 80 के दशक के मशहूर अभिनेता संजय खान की। उन दिनों संजय खान और जीनत अमान के अफेयर सभी को पता हुआ करते थे। शादीशुदा होने के बाद भी संजय खान जीनत अमान के साथ ज्यादातर सभी पार्टियों में साथ जाया करते थे। दोनों के बीच रिश्ता इतना गहरा हो गया कि दोनों ने 1978 में ही जैसलमेर में शादी भी कर ली। हालांकि ये शादी ज्यादा न चलकर एक साल में ही टूट गई। बावजूद इसके दोनों ने कई फिल्मों में साथ में ही काम किया। फिलहाल हम उस फिल्म के बारे में बात करते हैं जिसके कारण संजय खान और जीनत अमान के बीच बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ, जिसे भुला पाना जीनत के बस में नहीं है। अब्दुल्ला में इन दोनों ही कलाकारों ने साथ में काम किया। फिल्म की शूटिंग भी खत्म हो चुकी थी और जीनत दूसरी फिल्म की शूटिंग में भी व्यस्त हो चुकी थी। इस दरमियान एक दिन अचानक संजय खान ने जीनत को फोन किया और एक गाने की शूटिंग अर्जेंट शूट करने की बात कही, जिसके लिए जीनत तैयार नहीं थी। दरअसल जीनत के पास डेट की समस्या थी। जीनत के इनकार करने पर संजय खान भड़क उठे और जीनत को फोन पर काफी खरी खोटी भी सुनाई। संजय खान के गुस्सा होने से जीनत इतना डर गई कि वे संजय को मनाने के लिए पहले तो उनके घर पहुंची, पर जब संजय घर में नहीं मिले तो जीनत संजय को मिलने के लिए एक पार्टी में जा पहुंची। ये वही पार्टी थी जिसमें संजय खान ने जीनत की पिटाई की थी। होटल के वेटरों के माने तो संजय खान पहले तो जीनत को एक कोने में ले गए और फिर उनकी पिटाई की। ये वही झगड़ा है जिसमें जीनत ने अपनी आंखों की रोशनी खोने से बचा ली थी और वो आज तक एक बड़ा घाव बना हुआ है। जीनत अमान की जिंदगी का ये तो वो काला सच जिसे वो भूल जाना भी नहीं चाहती है। वेल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय।